नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 9। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं रेणु भट्ट अपने इस लाइव इंटरैक्शन में, जिसे हम आपके लिए लेकर आते हैं। और आज हम इस सत्र में बात करने वाले में आज के इस सत्र में हम बात करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड के साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। और आज का हमारा टॉपिक है टिश्यूज़। और आज हम बात करेंगे टिश्यूज़ पर, स्पेसिफिकली हम बात करने वाले हैं एनिमल टिश्यूज़ पर। तो सत्र में कोई भी क्वेरी आपके मन में हो डियर लर्नर्स एंड व्यूअर्स, तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। आप हमें कॉल करेंगे हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है 8800440559, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class9@cit.nic.in। अपनी सभी क्वेरीज, अपने फीडबैक्स आप हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। हमें इंतज़ार रहेगा आपकी बातों का, आपके प्रश्नों का। और बाय द टाइम आप हमसे जुड़ते हैं, हम अपने विशेषज्ञ के पास चलते हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो आप सभी को ज़्यादा जानकारी देंगे टिश्यूज़ इस टॉपिक पर। तो चलिए आप सभी का परिचय करवाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आप हैं श्री राजेश कुमार, और आप PGT बायोलॉजी हैं, PM श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय चंपावत उत्तराखंड से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम, नमस्कार, थैंक यू सो मच। और सर, आज हम टिश्यूज़ पे बात करने वाले हैं, तो क्या कुछ कंटेंट है आपके पास हमारे सभी बच्चों के लिए और दर्शकों के लिए, आप प्लीज़ उन्हें बताएं। बिल्कुल मैडम, हम लोग शुरू करेंगे जी। एक्चुअली आज हम लोग जो है एनिमल टिश्यूज़ की बात करेंगे। नॉर्मल वे में हम लोग ने पिछले सेशन में प्लांट टिश्यूज़ को कवर किया था, बट एनिमल टिश्यूज़ और प्लांट टिश्यूज़ में जो बेसिक डिफरेंस है, चूँकि प्लांट्स और एनिमल्स की जो दोनों का जो बिहेवियर है उसमें चेंज आता है, दोनों के नेचर में डिफरेंस होता है, और इवन इनके अंदर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी कॉम्प्लेक्सिटीज चेंज होती हैं, हो जाती हैं, इसलिए एनिमल टिश्यूज़ में काफ़ी डिफरेंसेस मिलते हैं। तो आज हम इन्हीं एनिमल टिश्यूज़ की बात करें। सबसे पहले जब हम बात करते हैं एनिमल टिश्यूज़ को कितने टाइप के होते हैं, कितनी कैटेगरीज हैं, तो हम बेसिकली एनिमल टिश्यूज को चार मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इनमें से एक है एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे नर्वस टिश्यू के बाद। आज हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू को, हम डिटेल पढ़ेंगे क्योंकि हमने पिछले सेशन में मस्कुलर टिश्यूज को कवर अप किया था। तो आज हम लोग जो है इसी का जो रिमेनिंग पार्ट है कनेक्टिव टिश्यूज से हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग इसके बारे में आज लर्न करेंगे कि क्या होते हैं, किस तरीके से ये काम करते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं। तो अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, तो ये हमारे एनिमल बॉडी में सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड और पूरी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में पाए जाते हैं एंड मोस्ट अबंडेंट टिश्यूज होते हैं। अब इनका जो बेसिक काम है वो डिफरेंट जो ऑर्गन्स होते हैं या जो डिफरेंट टिश्यूज होते हैं, उन अलग अलग टिश्यूज को या डिफरेंट ऑर्गन्स को आपस में ये कनेक्ट करने का काम करते हैं, और साथ साथ में उन टिश्यूज को ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टिश्यूज माने जाते हैं। अब चूंकि ये डिफरेंट ऑर्गन्स को कनेक्ट करते हैं, इसलिए इसमें कोई ना कोई एक सीमेंटिंग सब्सटेंस भी पाया जाएगा, और जो सीमेंटिंग सब्सटेंस है उसको यहाँ पे हम मैट्रिक्स कहते हैं। यूजली जो मैट्रिक्स है वो प्रोटीनेशियस सब्सटेंस होता है, प्रोटीन का बना होता है, और इसके अलावा इसी मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारी सेल्स पाई जाएंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, जो कि टिश्यू है तो डिफरेंट सेल्स का ग्रुप होगा, तो उसी मैट्रिक्स में डिफरेंट टाइप के सेल्स पाई जाती हैं। इनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट सेल्स हैं वो होती हैं फाइब्रोब्लास्ट। जो फाइब्रोब्लास्ट हैं ये एक्चुअली कोलेजन फाइबर्स को रिलीज करती हैं, सिक्रीट करती हैं, और वो कोलेजन फाइबर्स ही जो है इसमें इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ये मेनली हमारे ऑर्गन्स में, इसमें मैट्रिक्स और इसमें फाइबर्स पाए जाते हैं जी। अब अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, तो कनेक्टिव टिश्यू जो है इसको हम ब्रॉडली 4-5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इनमें से जो पहली कैटेगरी है, पहला टाइप होता है उसको एरियोलर टिश्यू कहते हैं, दूसरा है एडिपोज टिश्यू। हालांकि जो एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू है इसमें बहुत माइनर डिफरेंस होता है ये, लेकिन जो दूसरा है लिगामेंट्स और टेंडन्स होते हैं, ऐसे ही कार्टिलेज और बोन्स का एक ग्रुप है, और लास्ट ग्रुप जो कनेक्टिव टिश्यू का है उसको हम ब्लड या लिम्फ, ब्लड और लिम्फ को हम लोग वैस्कुलर टिश्यूज भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये चार टाइप
सॉरी पांच टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, और इस तरीके से हम लोग वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एरियोलर टिश्यू के बारे में। जी सर, यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में बताया कि कितने तरह के होते हैं, और वी कैन सी कि ये पांच तरह के होते हैं। यहाँ पे हम आपसे बहुत ही ब्रीफ में जानना चाहेंगे कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ सर, कि मेन रोल क्या है इसका, एक बार फिर से हम आपसे जानना चाहेंगे सर, फिर हम इसके आगे इनको डिटेल में पढ़ना चाहेंगे। जी राइट मैम, एक्चुअली कनेक्टिव टिश्यू ये जो पांच टाइप के हैं, पांचों अपना अलग अलग रोल प्ले कर, स्पेसिफिक इनके अलग अलग, लेकिन एज ए होल इनको हम कनेक्टिव टिश्यू के रूप में देखें तो कनेक्टिव टिश्यू का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है कि अलग अलग कई जो हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं उन सारे ऑर्गन्स को आपस में जोड़ना, टू कनेक्ट। तो इसका जो मेन फंक्शन कनेक्टिव टिश्यू का है वो कनेक्ट द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और इसके अलावा जो इनके डिफरेंट पार्ट जो टाइप्स हैं ये स्पेसिफिक फिर और भी काम करते हैं अलोंग विद द कनेक्टिंग द बॉडी पार्ट्स। जी राइट मैम, यस सर, प्लीज कंटिन्यू सर। राइट राइट, हम लोग आगे समझ गए हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं इसके बाद वन बाय वन, सबसे पहले हम देखते हैं जो एरियोलर टिश्यू है वो कैसे डिफरेंट है और क्या स्पेसिफिक काम करता है। नॉर्मली जो एरियोलर टिश्यू है इसको लूज कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, और ये हमारी बॉडी में जो स्किन है या जो बाकी अदर ऑर्गन्स होते हैं उन सभी ऑर्गन्स के चारों तरफ उसको ये सपोर्ट सिस्टम बनाता है, उसको ये बांधे रखता है कनेक्ट कर, और ये हमारी स्किन के नीचे भी होता है। अगर हम इस एरियल टिश्यू की बात करें तो इसमें जो सेल्स जो होती हैं, विशेषकर जिनको हम फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं, ये सेल्स नॉर्मली इसमें लूजली अरेंज्ड होते हैं। अब जब लूजली अरेंज है तो फाइबर्स बनाएंगे, वो फाइबर्स भी जो है बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, और ये सभी जो है फाइबर्स और सेल्स जो हैं वो सेमी सॉलिड मैट्रिक्स में एम्बेडेड रहते हैं। अब इसकी वजह से जो आपके ये एक फ्लेक्सिबल टिश्यू है, और इसमें जो सेल्स हैं मेनली, इसमें सेल्स जो हैं डिफरेंटली तीन मेन टाइप की सेल्स हैं जो पाई जाती हैं, जिनमें से एक होती हैं जो फाइब्रोब्लास्ट हमने अभी पहले बताया था, इसके अलावा इनमें मैक्रोफाजेस भी होते हैं और साथ साथ में मास्ट सेल्स होती हैं। तो इस तरीके से मैक्रोफाजेस और मास्ट सेल की प्रेजेंस की वजह से ये हमें प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती हैं, हमें इन्फेक्शन से हमें बचाती भी। इस तरीके से जो हमारा ये एरियोलर टिश्यू है न केवल ये ऑर्गन को सपोर्ट करता है बल्कि ये हमें प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है डिफरेंट फॉरेन एजेंट्स। अगर हम उसको देखें फिगर में, ये कुछ यहाँ पर हमारे फिगर में दिख रहा है कि यहाँ पे ये हमारी कुछ फाइब्रोब्लास्ट सेल हैं जो येलो कलर के दिखी हैं, और इन्हीं फाइब्रोब्लास्ट सेल से पतले पतले कोलेजन फाइबर्स बन, इसी कोलेजन फाइबर्स इसमें इलास्टिसिटी आती है, और साथ साथ में जो मैक्रोफाजेस हैं जो रेड कलर की सेल्स हैं ये मैक्रोफाजेस हैं, मैक्रोफाजेस जो हैं ये हमें इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करती हैं, और मास्ट सेल भी जो है ये कुछ सब्सटेंसेस रिलीज करती हैं जो हमारी सेंसिटिविटी बॉडी को प्रोवाइड कर। इस तरीके से एरियोलर टिश्यू जो है ये हमारा नॉर्मली ये काम करता है, और ये हमारा स्ट्रक्चर। अब इसके बाद जो सेकेंड टाइप का जो कनेक्टिव टिश्यू है जिसको हम लोग एडिपोज टिश्यू कहते हैं, एडिपोज टिश्यू मेनली ये एक्चुअली कनेक्टिव टिश्यू जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है उसी का मॉडिफाइड फॉर्म होता है, उसी में मॉडिफिकेशन हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो सबसे बड़ी पहचान ये है कि इन टिश्यू के अंदर फैट का स्टोरेज होता है, क्योंकि यहाँ फैट का स्टोरेज है तो फैट को स्टोर करने के लिए इसमें स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती है, उन सेल्स को हम एडिपोज सेल्स कहते हैं। तो जब कभी एरियोलर टिश्यू में जो हमने तीन टाइप के सेल्स पढ़ी उसमें अगर एडिपोज सेल्स भी उसमें आ जाए, बन जाए, और वो एडिपोज सेल्स फैट को ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में स्टोर कर लें, और यही जब छोटी छोटी फैट की ड्रॉपलेट्स एक साथ आएंगी तो ये बड़ी ड्रॉप बन जाएगी, उसको फैट ग्लोब्यूल्स कहते हैं। इस तरीके से एडिपोज सेल्स को हम फैट सेल्स भी कहते हैं। अब चूंकि ये भी हमारी नॉर्मली उन्हीं सेल्स से मॉडिफिकेशन है, तो अब इसमें फैट होने की वजह से ये शॉक एब्जॉर्बर का काम, और यहां तक कि एक हमारी इंसुलेटिंग लेयर की तरह काम, इसीलिए हमारी बॉडी के थर्मोरेगुलेशन में भी हेल्प कर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये न केवल शॉक एब्जॉर्बर के रूप में बल्कि ये थर्मोरेगुलेशन के रूप में भी फंक्शन करते हैं।
हम लोग याद करें, बहुत सारे मैमल्स या एनिमल्स जो होते हैं वो बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में रहते, तो वहाँ पर ये उनको कोल्ड कंडीशन में अपने को बचाने के लिए ये वहाँ पर इंसुलेटिंग लेयर की तरह एडिपोज टिश्यू काम करने लगे। इस तरीके से हम लोगों ने एडिपोज टिश्यू के बारे में बात करी। अब हम इसके बाद आगे मूव करेंगे नेक्स्ट टाइप के टिश्यू। जी सर, इससे पहले कि हम नेक्स्ट टाइप के टिश्यूज़ की बातें करें, यहाँ पर हम इन दोनों टिश्यूज़ के बारे में बात करना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि ये दोनों टिश्यूज़ जो हैं, चाहे वो एरोलर हो या एडिपोज हो, दोनों टिश्यूज़ त्वचा के अंदर पाए जाते हैं, नीचे होते हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों अलग अलग होते हैं सर, तो ऐसा किस रीज़न से होता है? बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के मॉडिफिकेशन हैं। सबसे पहले स्किन के नीचे एरियोलर टिश्यू बना जो कनेक्ट किया स्किन को हमारी मसल से, लेकिन इसी के साथ में जब उसमें फैट सेल्स बन गए जिनको हम एडिपोसाइट्स कहते हैं या एडिपोस सेल्स कहते हैं, तो जब उनमें फैट सेल्स उसमें और बन गई, उसमें आ गई और वो फैट को डिपॉजिट करें, तो वही टिश्यू एडिपोस टिश्यू कहला। यानी शुरुआती दौर में कनेक्टिंग का काम करते हैं और ये हमें प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन बाद में उसके बाद लेटर ऑन दे विल बिकम एन इंसुलेटिंग लेयर और ये थर्मोरेगुलेशन का काम करें। इसीलिए ये एरियोलर टिश्यू को हम से डिफरेंट हो जाता है एडिपोज टिश्यू, अदरवाइज दोनों एक दूसरे के मॉडिफिकेशन ही हैं बेसिकली, राइट? जी सर। तो यहाँ पर ये हमने एडिपोज टिश्यू को फिगर के फॉर्म में देखा है। देखिए नॉर्मल वे में बाकी सेल्स थी, लेकिन यहाँ पे स्पेशली ये एडिपोसाइट सेल्स बन गई जिनको हम फैट सेल्स कहते हैं, इसी में फैट को डिपॉजिट कर। लेकिन अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप का टिश्यू जिसको हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। इनमें से दो हमारे मेन कैट होते हैं, एक होता है लिगामेंट और दूसरा होता है टेंडेंस। लिगामेंट और टेंडेंस ये दोनों डेंस फाइबर्स टिश्यू, डेंस इसलिए हैं क्योंकि इनमें जो फाइबर्स होते हैं जो जिनको कोलेजन फाइबर कहते हैं, जो फाइब्रोब्लास्ट से बनते हैं, वो कोलेजन फाइबर्स इसमें ज्यादा होते हैं मैट्रिक्स की तुलना में। इसमें मैट्रिक्स ज्यादा डेंस हो जाता है और उसमें फाइबर्स की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, तो बिकॉज क्योंकि मैट्रिक्स की डेंसिटी बढ़ जाती है इसीलिए इनमें और इनमें फाइबर्स होते हैं ज्यादा, दैट्स व्हाई ये टिश्यू को ज्यादा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आया, ये तो ये इट इज मोर फ्लेक्सिबल। अब यहाँ पर जो लिगामेंट्स और टेंडन जो होते हैं इनमें, हम पहले बात करते हैं लिगामेंट्स के बारे में। लिगामेंट्स में जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं ये स्कैटर्ड होते हैं मैट्रिक्स के लिए। अब चूंकि ये स्कैटर्ड हैं तो जो ये फाइबर्स बनाएंगे कोलेजन फाइबर वो भी इररेगुलरली अरेंज होंगे और इनके इररेगुलर अरेंजमेंट की वजह से इनमें इलास्टिसिटी हो जाती है, लेकिन चूंकि ये फ्लेक्सिबल हैं इलास्टिसिटी है तो ये नॉर्मली हमारे किसी ऑर्गन को जोड़ने में काम है, इसीलिए लिगामेंट्स जो है मेनली किसी एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ते, जैसे हमारे ये फेलेंजीज हैं फिंगर में, तो फिंगर में जो दो आपके बोन्स हैं इनको आपस में जोड़ने के लिए यहाँ पर ये आपका लिगामेंट्स का, तो जहां पे जंक्शंस होंगे जहां बोन्स कनेक्ट होंगी उस जगह पे लिगामेंट्स काम। हम लोग फिगर के फॉर्म में देखें, देखो एक बोन हमारी ये ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ बोन है, इन दोनों बोन्स को यहाँ पे आपस में जो कनेक्ट करने वाला टिश्यू होता है इसको हम लिगामेंट कहते हैं, इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होती है। अब अगर हम लोग लिगामेंट्स के बाद देखें टेंडन्स के बारे में, तो टेंडन में क्या होता है, टेंडन कुछ डिफरेंट होता है लिगामेंट्स की तुलना में, है ये भी डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो फाइबर्स होते हैं वो रैंडमली अरेंज नहीं बल्कि वो पैरेलली अरेंज। अब चूंकि यहाँ पे फाइबर्स पैरेलली अरेंज हैं तो इसका मतलब फाइब्रोब्लास्ट भी पैरेलल अरेंजमेंट होंगे, इसी वजह से यूं कह लें कि ये जो टिश्यू होता है टेंडन ये लिगामेंट की तुलना में ज्यादा टफ होता है और इसमें इलास्टिसिटी नहीं होती, ये इलास्टिक नहीं होते और इसीलिए इनका काम जो होता है वो बोन को बोन्स और मसल्स को जो जोड़ने का काम करता है, यानी यहाँ पर जो हमारी बोन्स की सरफेस के ऊपर मसल्स अटैच रहती हैं तो उन मसल्स को बोन से अटैच करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टेंडन्स का। सर यहाँ पर आपने लिगामेंट और टेंडेंस के बारे में बात की और दोनों ही हमारे जो हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, और जैसे आपने कहा कि लिगामेंट जो होते हैं वो तो बहुत ही लचीले होते हैं लेकिन टेंडेंस जो होते हैं वो लचीले नहीं होते हैं, लेकिन सर ऐसा क्यों होता है, सर ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। एग्जैक्टली ये तो बहुत सुंदर सा एक प्रश्न बन जाता है।
क्योंकि जब दोनों डेंस हैं तो डेंस होने से आके इनमें डिफरेंस इनके नेचर में कैसे हो, क्योंकि अब अगर हम देखें पहले लिगामेंट्स को, तो वहां पर क्या था कि जो फाइबर्स थे, जो कोलेजन फाइबर्स, वो इररेगुलर अरेंज थे, तो इररेगुलर अरेंजमेंट होने के से उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, वो कहीं से मुड़ सकते थे। लेकिन यहां पर जो फाइबर्स थे, कोलेजन फाइबर और जो फाइब्रोब्लास्ट सेल थी, वो एक डेफिनेट पैरेलल अरेंज हो गई। उसके पैरेलल अरेंज होने से कई लेयर्स बन गए। अब जब वो कई लेयर्स में फाइबर अरेंज हो गए तो उनमें फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई, इसीलिए वो फ्लेक्सिबिलिटी तो खत्म हो गई लेकिन उससे ज्यादा मजबूत हो गए, टफ हो गए। इसीलिए चूंकि इसमें पैरेलली अरेंज होते हैं फाइबर्स भी और फाइब्रोब्लास्ट भी, तो इसीलिए सेवरल लेयर्स ऑफ फाइबर्स आर फॉर्म और दैट विल मेक देम नॉन इलास्टिक एंड मोर टफ, और इसीलिए मसल को जोड़ने में काम भी बहुत स्ट्रांग टिश्यू की चाहिए होता है। दैट्स वाई दे कनेक्ट मसल्स और बोन्स को आपस में जोड़ने के में बहुत स्ट्रांग टिश्यू की तरह काम करते जी, हैं। राइट आई सर, थिंक समझ में बच्चों को आ गया होगा जी सर, डिफरेंसेस। अब अगर हम इस टेंडन और लिगामेंट जो डेंस हमने कनेक्टिव टिश्यू की बात करी, अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप के टिश्यू से जिनको हम स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। स्केलेटल का मतलब एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो हमारा इंडो स्केलेटन का फ्रेमवर्क बना, यानी हमारी बॉडी का स्केलेटन सिस्टम बना। हम लोग अपने बॉडी के स्केलेटन सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे दो टाइप के हमारे टिश्यूज होते हैं, एक को हम कार्टिलेज कहते हैं और दूसरे को हम बोन्स कहते हैं। और ये कार्टिलेज और बोन्स जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हम सबसे पहले कार्टिलेज की बात कर लेते हैं। जो कार्टिलेज होता है ये, चलिए यहाँ पर जो सेल्स होती हैं स्पेशलाइज सेल्स होती हैं, उन सेल्स को हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। और ये जो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स हैं दे आर एम्बेडेड विद इन मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स जो है यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन का बना होता है जिसको हम कॉन्ड्रिन प्रोटीन कहते हैं। तो जब कॉन्ड्रोसाइट्स जो है कॉन्ड्रिन प्रोटीन में पाई जाएंगी, ये जो कॉन्ड्रिन प्रोटीन है ये सेमी सॉलिड होता है, इसका मतलब इसमें इसमें सॉलिडिफिकेशन शुरू हो जाता है, तो इसमें सॉलिडिफाइड फॉर्म में, इसीलिए स्केलेटन की तरह काम करने का। चूंकि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, सेमी सॉलिड नेचर होता है, इसीलिए जो कार्टिलेज होता है उसमें थोड़ी बहुत इलास्टिसिटी होती है लेकिन ये रिजिड होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मैट्रिक्स होता है वो मैट्रिक्स में कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं, और कोलेजन फाइबर का अरेंजमेंट पैटर्न ही इसको इलास्टिसिटी देता है और रिजिडिटी देता है। और ये अब टिश्यू पाया हमारी बॉडी में कहाँ जाता है, जैसे हम लोग देखें कि हमारा जो वर्टिब्री होते हैं, जो वर्टिब्रल कॉलम है, तो दो वर्टिब्री के बीच में यहाँ पर डिस्क पाई जाती है, उनको हम इंटर वर्टिब्रल डिस्क कहते हैं, ये इसी कार्टिलेज के बने होते हैं। इसके अलावा जो हमारा ट्रैकिया होता है, उस ट्रैकिया के अंदर जो रिंग्स पड़ी होती हैं ये भी इसी कार्टिलेज की बनी होती हैं। इसके अलावा नोज का जो स्केलेटन है, हमारे जो ईयर पिन्नी होते हैं दे आर फ्लेक्सिबल, ये भी कार्टिलेज के बने होते हैं। इस तरीके से कार्टिलेज हमारे बॉडी में कई ऑर्गन्स में सपोर्ट की तरह काम करते हैं और ये स्केलेटन बना। लेकिन अगर हम इनके स्ट्रक्चर को देखें तो ये कुछ इस टाइप का दिखते हैं। देखिए मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारी, देखिए छोटी छोटी सेल्स ये पड़ी हुई हैं, ये सेल्स एक्चुअली कॉन्ड्रोसाइट्स हैं और ये मैट्रिक्स में पड़ी हुई, इसमें फाइबर्स भी हैं यानी कोलेजन फाइबर्स भी होते हैं। इसके ठीक बगल में हमने बोन का फिगर लिया। बोन में क्या है कि जो बोन में दूसरे टाइप के सेल्स होते हैं वो एक रिंग में अरेंज होते हैं और उनमें जो मैट्रिक्स है वो डिफरेंट होता है। और हम लोग बोन की मैट्रिक्स की बात करें और बोन की सेल्स की बात करें तो बोन जो है वो हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट हार्ड स्केलेटन होता है, और इसी बोन से हमारी बॉडी में मसल्स अटैच रहती हैं और इसी वजह से हमारी बॉडी के ऑर्गन्स में मूवमेंट होता है। इसका मतलब जो बोन्स हैं वो अटैचमेंट साइट होती हैं मसल्स के लिए, और यही नहीं बल्कि बोन्स हमारे लिए एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये हमारी बॉडी में एक होम्योस्टेटिक रिजर्वायर की तरह काम करती है, क्योंकि इनके अंदर कई सारे मिनरल्स यानी आयंस पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है। तो जब हमारी बॉडी को इसकी जरूरत होती है तो ये हमारे बोन से निकल करके हमारे ब्लड में या हमारे टिश्यूज में पहुंच जाते हैं, और जब एक्स्ट्रा होते हैं तो इनको हम अपने बोन्स में स्टोर कर लेते हैं, इसीलिए हम बोन्स को रिजर्वायर के रूप में मानते हैं। अब अगर हम बोन की स्ट्रक्चर को देखें तो बोन में जो
इसमें सेल्स पाई जाती है जो स्पेशल टाइप की सेल्स, उनको हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऑस्टियोसाइट्स हैं वो जो मैट्रिक्स है इसका बहुत हार्ड होता है और सॉलिड होता है, लेकिन यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, इट इज नॉन फ्लेक्सिबल, इसको नॉन प्लायबल कह सकते हैं। अब ये नॉन प्लायबल नेचर क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर जो कोलेजन फाइबर्स हैं बहुत रिच होता है, कोलेजन फाइबर्स ज्यादा अमाउंट में होते हैं, और इसमें जो ओसिन प्रोटीन है वो जो है पाई जाती है जो ज्यादा हार्ड होती है, और इसमें एक सॉलिडिफिकेशन का एक और वजह होती है, इसमें कैल्शियम और फास्फोरस के साल्ट्स पाए जाते हैं, कैल्शियम फास्फेट जिसे कहते हैं, वो जो कैल्शियम फास्फेट की वजह से इसमें जो है हार्डनेस बढ़ जाती है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, इसीलिए ये नॉन प्लायबल होता है। अब इनका काम क्या है? इनका सिंपल सा काम है, ये हमारे टिश्यूज को सपोर्ट भी करते हैं, जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर टिश्यूज हैं उनको प्रोटेक्शन भी देते हैं, ना केवल टिश्यूज को बल्कि ऑर्गन्स को, जैसे हमारे जितने भी बहुत डेलिकेट ऑर्गन्स हैं लाइक हमारा हार्ट है, लंग्स हैं, वो सभी जो है इससे प्रोटेक्ट रहते हैं एक कैविटी के अंदर, बोन्स के अंदर। इस तरीके से बोन्स की फंक्शन की बात हो। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टिश्यू की तरफ मूव करते हैं जो हमारे हैं वेस्कुलर टिश्यूज के बारे में। अगर हम वेस्कुलर टिश्यू की बात करें तो वेस्कुलर टिश्यूज मेनली जो है इनका काम होता है, जो ये मेनली ऐसे टिश्यूज हैं जो सब्सटेंसेस को एक बॉडी के पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। इसका मतलब ये मेनली हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करते हैं, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट करते हैं इसीलिए इनमें फ्लूडिटी ज्यादा होती है और इनको हम फ्लूइड टिश्यू कहते हैं। अब यहाँ फ्लूडिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर जो सर, मैं मैट्रिक्स यहाँ पर होता है, आपको बता दूं कि हमारे यस पास तकरीबन 2 से 3 मिनट का समय और है इस सेशन के लिए सर। राइट, जी मैं सर, थोड़ा जल्दी से कोशिश करता जी हूँ सर, इसको कवर अप कर लूँ। जी तो जो ये वेस्कुलर टिश्यू है इनमें जो मैट्रिक्स है वो फ्लूड नेचर है, क्योंकि यहाँ पे वाटर के अमाउंट ज्यादा होता है और इसीलिए ये फ्लूड नेचर होता है। इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होता है ब्लड, दूसरा है लिम्फ। ब्लड जो है ये हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये हमारी बॉडी में हमेशा ब्लड वेसल्स में ट्रेवल करता है, रन करता है, सर्कुलेट करता है। ब्लड हमारे जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें ब्लड जो है वो नॉर्मली रेड कलर का होता है, और ये रेड कलर जो इसमें एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, इसकी वजह से होता है। और ब्लड में जो है, जो नॉर्मली जो ब्लड है ये दो कंपोनेंट्स का बना होता है, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। अगर हम ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स का बना होता है, फंक्शन हम बता चुके हैं, इनका फंक्शन जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस होता है। अब अगर हम लोग इसके ब्लड सेल्स की बात करें तो ब्लड में मेनली 3 टाइप की सेल्स होती है, एक को हम कहते हैं आरबीसीज जिनको एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, दूसरे होते हैं डब्ल्यूबीसीज जिनको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और तीसरे टाइप की हैं ब्लड प्लेटलेट्स जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ये तीनों अलग अलग फंक्शंस करते हैं और ये हमारे ब्लड का लगभग 40-45% होता है। जैसे ही हमारे पास यहाँ ब्लड सेल्स हैं, यहाँ पर हमने एरिथ्रोसाइट्स को लिया है, और साथ साथ में ये हमारी डिफरेंट टाइप की ब्लड सेल्स हैं जिनको हम लोग डब्ल्यूबीसीज कहते हैं, और ये हमारी प्लेटलेट्स हैं, ये डिफरेंट टाइप की आपकी ब्लड सेल्स हैं। अब अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा हमारा ब्लड के अंदर नॉर्मली 50-60% होता है, जिसमें मेनली वाटर होता है और सारे सॉलेबल सब्सटेंस होते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो या इनऑर्गेनिक हो। इनऑर्गेनिक में जैसे साल्ट होते हैं, ऑर्गेनिक में जैसे आपका शुगर है, एमिनो एसिड्स हैं, हार्मोन्स होते हैं, ये सारे इसी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। इसी प्लाज्मा के थ्रू हमारे सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होता है। इस तरीके से हमने ब्लड की बात कर ली, अब हम करते हैं लिम्फ के बारे में। लिम्फ क्या होता है? लिम्फ एक्चुअली ब्लड से ही बनता है। जब ये ब्लड हमारे टिश्यू लेवल पे जाता है तो वहां पे कैपरीज से ब्लड बाहर निकल आता है, इसका कुछ कंपोनेंट्स, उसी को ये हमारे सेल्स के बीच में भर जाता है, इसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। तो अब क्या होता है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो टिश्यूज में भर गया वो वापस फिर से हमें कलेक्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ वेसल्स होती हैं जो उस फ्लूइड को कलेक्ट कर लेती हैं। जब वो वेसल्स में कलेक्ट हो जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड, तो उसी को हम लिम्फ कहने लगते हैं। लिम्फ जो है ये ब्लड से ही चूंकि बना है इसीलिए इसमें ब्लड के ही कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर आरबीसीज नहीं पाए जाते हैं। इसमें लिम्फोसाइट्स तो होते हैं लेकिन आरबीसीज नहीं होते, चूंकि यहाँ पे डब्ल्यूबीसीज होते हैं इसीलिए इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है प्रोटेक्शन करते हैं, लेकिन साथ साथ में ये डिजॉल्व फैट के को भी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। जी इस तरीके से हमने ब्लड और लिम्फ की बात कर। जी तो
तो ये तो बात हुई ब्लड की और लिम्फ की, और हमने काफ़ी बातें की आज के इस सत्र में एनिमल टिश्यूज़ पर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे सभी दर्शकों को ये सभी बातें, खासतौर पर जितने स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े सर, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और सर समय हमें बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम इस सत्र को आगे बढ़ाएं, सर हमें इसे यहीं पर समाप्त करना होगा, लेकिन जाने से पहले हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस थैंक यू टाइम। सो मच। थैंक यू और सर ऑलमोस्ट हम लोग कवर कर चुके थे। जी। मैं हम आप सबके अगेन आई थैंक्स टू एवरीवन, ऑल टीम है, ऑल टीम मेंबर्स आल्सो। थैंक यू सो वेरी मच राजेश सर, और अपने सभी देखने वालों को हम धन्यवाद करते हुए इस सत्र को यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। लेकिन जाने से पहले हम आपके साथ कुछ ज़रूरी बातें आपके साथ साझा करना चाहेंगे कि आगे आप आने वाले समय में कौन कौन से सत्र हमारे साथ आप देख सकते हैं। कुछ ही देर में 3 बजे हम ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3 लेकर आएंगे मैथमेटिक्स के 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, और 3:30 बजे का समय रहेगा सोशल साइंस के 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक का। और आज का हमारा शीर्षक है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, और 4 बजे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, और 1 घंटे का ये सत्र रहने वाला है। 5 बजे सहयोग सत्र के साथ हम दोबारा आपसे मिलने आएंगे, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्रिजिंग द जनरेशन गैप इन फैमिलीज। और इसके बाद 5:30 बजे हमारा स्पेशल सत्र रहेगा जो कि नीपा का है, जिसमें हम स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट पे बात करते हैं, किस स्कूल पर और किस जगह की बात करेंगे, उसके लिए आपको हमारा सत्र देखना पड़ेगा। और अभी फ़िलहाल इन्हीं सब के साथ मुझे रेणु भट्ट को दें अनुमति। नमस्कार।